Welcome friends, this is a percentage second video. In this we will be discussing the successive discounts, or basically how percentages are used in the topic of successive discounts. Okay, so in this topic we all know, let's start by knowing what exactly is the discount. So for example, suppose a music CD has a price tag of rupees 100. Okay, and the shopkeeper is offering a 20% of discount. So at what price I will get that price, I will get that music CD. So I will calculate the 20% of 100 and I will subtract that amount from 100. So that will be 20% discount. So 20% of 100 is 20 rupees. I subtract 20 out of 100. I therefore get 80 rupees. So therefore this is now the selling price of the CD, and also the price tag, which was initially 100 rupees, that is in terminology is known as marked price. So 100 rupees hue hamare marked price, selling price hua 80 and discount tha hamara 20% jo ki tha 20 rupees. तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस सेशन से के साथ आगे और देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली सक्सेसिव डिस्काउंट्स हम सॉल्व कैसे करते हैं. तो इस क्वेश्चन में है, अ बुकसेलर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक. हाउ मच अमाउंट वुड बी पेड बाय अ कस्टमर फॉर अ बुक हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 720. तो हमें अब लिस्ट प्राइस तो बता रखा है बुक का, जो कि है 720 रुपए, 720 रुपीज, और हमें बोला गया है कि इसके ऊपर बुक सेलर दे रहा है दो डिस्काउंट्स, एक दे रहा है 10% और दूसरा दे रहा है 20%. तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द डिस्काउंट्स डज नॉट मैटर. आप सबसे पहले अगर 20% 720 का निकाल रहे हैं और उसके बाद जो अमाउंट आता है आपके पास एक्स अमाउंट, उसका आप फिर 10% निकाल रहे हैं, तो आंसर सेम आएगा अगर आप यही चीज पहले 10% को लेके करते हैं और फिर 20% को लेके करते हैं. लेकिन ये तरीका होता है बहुत ही लंबा. तो हम अब देखेंगे एक छोटा तरीका जब हमें ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखे होते हैं. तो मान लेते हैं कि ये है सक्सेसिव डिस्काउंट ए और ये है बी. तो फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा. तो वो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100. तो पहले 10% का निकाल के डिस्काउंट, फिर 20% का निकाले, उससे अच्छा है हम इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लें. तो इस केस में इक्विवेलेंट डिस्काउंट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100. तो ये होता है हमारे पास 30 माइनस 2 विच इज 28%. मतलब कि पहले अगर हम 10% डिस्काउंट निकालें फिर 20% निकालें, इसकी जगह अगर हम डायरेक्टली 28% का डिस्काउंट निकालते हैं 720 के ऊपर, तो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी. तो अब हम निकालते हैं 720 का डायरेक्टली 28% और फिर हम उसको कर देंगे 720 में से सब्ट्रैक्ट. तो हमारे पास आएगी सेम वैल्यू. तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू निकाल के इसको 720 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो भी आएगा वो हमारी वैल्यू होगी. तो हम देखते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी. तो अगर हमें 720 में से 720 का 28% करना है सब्ट्रैक्ट, तो हम कर सकते हैं सीधा सीधा कैलकुलेशंस. ये होता हमारा 57, ये हुआ 4 और ये हुआ हमारा 14. तो ये 6, ये 11, ये 10 और ये 2. तो 720 का 28% आया हमारे पास 2
0.01.6. तो अगर हम ये value 720 में से subtract कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा finally हमारी discounted value, जो कि आएगी हमारे पास 518.4. तो अगर आपको ये method करना है cross check, तो आप कर सकते हैं सबसे पहले 720 का 10% निकाल के, जो कि होगा 72. उसके बाद आप करिए इसको 720 में से subtract करके हमारे पास मिलता है 648. अब आप 648 का निकालिए 20% और उसके बाद उसको करिए आप 648 में से subtract. तो 648 का जब हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास आ रहा है 129.6. अब आप इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए 648 में से, तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमारे पास 28% से आई थी, और वो है 518.4. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. तो हम ऐसे जब हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे होते हैं, तो हम इस कदर उसका नेट डिस्काउंट निकालते हैं और उसके बाद हम वहां से वैल्यू निकालते हैं. अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन. इन अ सेल अ डिस्काउंट ऑफ 15% वाज अवेलेबल ऑन ऑल द आर्टिकल्स. इफ विनीत परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर 4,284 इन द सेल, व्हाट वाज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो अभी ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं उस आर्टिकल का एक्स. तो जब उस सेल में इस X सेलिंग प्राइस पे 15% डिस्काउंट मिला, तो जाके इसकी वैल्यू विनीत को पड़ी 4,284 रुपीस की. तो अब हमें यहां से निकालना है कि वो वैल्यू X की क्या थी. तो ये तो सिंपल कैलकुलेशंस आ जाते हैं. हम X को कॉमन ले लेते हैं. 15% होता है हमारा 15/100. तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है 85/100, व्हिच इज इक्वल टू 4,284. ठीक है, तो अब हम यहां से जब x को सॉल्व करेंगे 4,284 × 100/85, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आती है कुछ 5,040 रुपीस. सो देयरफॉर जब सेलिंग प्राइस 5,040 था और उस पे 15% का डिस्काउंट लगा, तो विनीत ने वो आर्टिकल 4,284 रुपीस का खरीदा. चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जिसमें हमने जो अभी एक फॉर्मूला देखा था a प्लस b माइनस ab अपॉन 100 का होता है यूज. लेकिन इस क्वेश्चन में एक और ट्रिक है जो हम अभी देखेंगे. अ पर्सन गेट्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 28.56%, 12.5% and 60%. तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में एक चीज बोली थी कि हमेशा परसेंटेज जैसे टॉपिक्स के लिए, क्योंकि इसमें से पक्का क्वेश्चंस आते हैं डिस्काउंट्स में से, परसेंटेजेस में से, तो हमेशा कुछ बेसिक परसेंटेजेस के अगर हम फॉर्मूले या फिर उनकी वैल्यू अगर याद रखते हैं तो हमें काफी हेल्प होती है. जैसे कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो 1/7 जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 14.28. और अगर मैं अभी इसी फ्रैक्शन को दोनों साइड इनटू 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 28.56. सो ये जो परसेंट है हमारे पास यहाँ पे, इट इज नथिंग बट 2.7. सिमिलरली जो यहाँ पे ये 12.5% है हमारे पास, ये है 1.1/8. और 60% को अगर हम डेसिमल्स में चेंज करते हैं तो आता है हमारे पास 3/5. तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
अगर हम वहां से उनका फ्रैक्शन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, उसके बाद हम हर फ्रैक्शन को 1 में से सबट्रैक्ट करते हैं और फिर उस सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 माइनस 2 बाय 7, 1 माइनस 1 बाय 8 एंड 1 माइनस 3 बाय 5. और यहां से हमारे पास क्या वैल्यूज आते हैं, यहां से आएगा 5 बाय 7, यहां से आता है 7 बाय 8 और यहां से आता है हमारे पास 2 बाय 5. और ये जो वैल्यू आई है उसके बाद हम इसको कर देते हैं 1 में से सबट्रैक्ट इनटू 100, तो ये होता है हमारा नेट डिस्काउंट. अभी हम इसको सॉल्व करते हैं. 5 में से 5 कैंसिल आउट, 7 में से 7 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट होके देगा हमें 1/4. जब हम इसको करेंगे 1 में से सबट्रैक्ट तो आएगा हमारे पास 3/4 इनटू 100 व्हिच इज 75, which is how much? 75%. ठीक है दोस्तों, तो generally ऐसे questions में जहाँ पे successive discounts दे रखे हो, हमें net discount निकालना है, तो एक तरीका होता है ये करने का. इस केस में ये तरीका helpful इसलिए है क्योंकि हम सारे percentages को बहुत easily fraction में convert कर सके. तो हम यहाँ पे ये वाला तरीका बहुत easily use कर सकते हैं. जो दूसरा तरीका होता है generally ऐसे cases में करने का, वो ये होता है जो हमने अभी एक formula देखा था, a plus b minus ab upon 100. तो क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम सिर्फ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम ऐसे केसेस में ऐसा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, पहले हम कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, उससे हम नेट डिस्काउंट निकालते हैं. उसके बाद जो हमारे पास उससे एक नेट डिस्काउंट निकलता है, मान लेते हैं उसको C. उसके बाद हम उस नेट डिस्काउंट को लेके और जो हमारा थर्ड लेफ्ट डिस्काउंट है, हम उसके ऊपर ये फॉर्मूला यूज करते हैं. इस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला हमें थोड़ा लंबा इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज डेसिमल में है, इसीलिए इस केस में हमारे पास फ्रैक्शन वाला तरीका ज्यादा हेल्पफुल था. अब हम चलते हैं आगे. हाँ, तो ये क्वेश्चन हमें कहता है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन रुपीज 500 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 36% and 4% on the same price is. तो हमें इसमें निकालना है difference between the two discounts. तो अगर हम 500 पे 40% discount देते हैं, तो मान लेते हैं इससे हमारे पास एक value आती है x. इसी तरीके से अगर हम 500 पे 2 discounts देते हैं 36 and 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी. पहले हम मान लेते हैं इन दोनों का नेट डिस्काउंट क्या होगा, 36 plus 4 minus 36 into 4 by 100. ये जो नेट डिस्काउंट आएगा इसको हम लगाएंगे 500 के ऊपर, इससे हमारे पास आएगी एक वैल्यू y और वो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस क्या होगा. अब हमें बहुत क्लियरली एक चीज दिख रही है कि यहां जो 40% है और यहां पे अगर हम 36 plus 4 करते हैं तो यहां से भी हमारे पास 40% आएगा. तो हम इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ कर सकते हैं सबट्रैक्ट. तो फाइनली जब हम x minus y करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बचेगी जो कि होगी 36 into 4 upon 100 into 500. तो ये वैल्यू होगी हमारी डिफरेंस, जहां पे हम बहुत इजीली 100 को इससे डिवाइड कर सकते हैं एंड फाइनली हमारा आंसर होगा 36 into 4 into 5, which will be
equal to 720. Okay, so the difference between the discount of 40% on rupees 500 and two successive discounts of 36% and 4% on the same price is rupees 720. Okay, now let's move forward to the next question. Again, in this question, we have the single discount equal to three consecutive discounts of 10%, 12% and 5%. I told you we will be discussing this question in the next session because this is where we ended our last session. Okay, so now we have to calculate the single discount which is equal to these three consecutive discounts. So, pehle hum karte hain us wale method se jo abhi humne dusre question mein discuss kiya tha. Hamare paas hai 10%. Ek hai hamare paas 12% and 5%. To 10% kya hua hamara? 0.1 decimal form mein. 0.12% hua hamare paas 0.12 and 5% hua 0.05. Ab hum in tino values ko karte hain 1 mein se subtract. To yahan bachta hai 0.9, yahan bachta hai 0.88. और यहां बचता है 0.95. अब हम कर देते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई. जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बचता है हमारे पास 0.7524. फिर से हम इस वैल्यू को करते हैं 1 में से सबट्रैक्ट तो आता है हमारे पास 0.2476. फिर हम करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई तो आता है हमारे पास 24.76%. So this value is the single discount which is equal to these three consecutive discounts. ये हो गया एक तरीका और इस तरीके में आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है? यहाँ तक सब ठीक है जब आपको इसको decimal में change करना है. यहाँ तक ठीक है जब आपको इसको one में से subtract करना है. लेकिन जहां पे आपका टाइम लगेगा वो होगा इन तीनों वैल्यूज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना. तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका जिसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था a plus b minus ab upon 100. ओके, तो अब यहां पे हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता है. आप चाहे तो यहां पे ab की वैल्यू पहले वैल्यू 10-12 ले सकते हैं, या तो 12.5 ले सकते हैं या 10.5 ले सकते हैं, जो आपको आसान लगे. तो मैं पहले ले रही हूँ 12 और 5. तो 12 और 5 अगर मैंने लिए तो मेरे पास आता है 17 minus 12 into 5 which is 60 upon 100 which is equal to 16.4. this is 0.6. अगर हम उसको 17 में से करते हैं सबट्रैक्ट तो हमारे पास बचता है 16.4. अब हम एक वैल्यू लेते हैं 16.4 को और दूसरी वैल्यू लेते हैं जो डिस्काउंट हमारा बचा है 10%. और अब हम दोबारा से ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 26.4 माइनस 16.4 इनटू 10 अपॉन 100. सो वी गेट 164 upon 100 which is equal to 24.76 which is same as this value. Therefore in this question I find this using this formula comparatively easy because I only had to add decimal values with each other which is comparatively easy than actually multiplying three decimal values. So therefore by seeing the question you had to just in some fraction of seconds had to guess that which method will be easier to you, or you can apply either of the methods that you find easy. Now let's move to the next question. Okay,
So a hotel offers 12% discount on food purchased during happy hours and 6% overall discount on all purchases exceeding 150. What is the net percentage discount offered to a customer who purchased food worth 190 during the happy hours? Okay, so we need to calculate the net percentage discount if the customer who purchased food that was worth 190 rupees. So, agar usne 190 rupees ka kharida, wo bhi happy hours mein. So, therefore, usne dono criterias pure valid hai uske liye. To 12% discount to lagega hi, kyunki happy hours mein liya usne food. Also, uski jo worth hai, wo hai 190, jo ki hai 150 se zyada. Therefore, uski upar 6% ka discount bhi lagega. तो अब हम क्यों ना अलग-अलग डिस्काउंट लगाने की जगह निकाल लेते हैं इसका नेट डिस्काउंट वैल्यू, which will be 12 plus 6, 18 plus, sorry, minus 12 into 6 upon 100. और इस परसेंट का निकालते हैं हम 190 परसेंट ऑफ 18 minus 12 into 6 upon 100. तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आती है 12 into 6 होगा हमारा 72 तो 18 minus 0.72 into 190 तो यहां से तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 17.28 into 19 और यहां से अगर हम ये हटा दें तो कुछ ये वैल्यू आती है और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेट परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर टू अ कस्टमर हु परचेज्ड फूड वर्थ 190 आल्सो इन दिस ओनली दिस मच वैल्यू इज ऑल वी नीड बिकॉज़ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग the discount value, it's asking the net percentage discount offered to a customer, which is 17.072, which is 17.28. So the answer to this question is 17.28. Okay, fine. So let's see what is the next question about. A shopkeeper gives 25% discount on buying an article and 15% discount if bought between 4 and 5 p.m. What will be the total discount offered to the customer? Okay, fine. So, again, in this question, we need to tell that what will be the total discount offered to the customer. Therefore, we need to calculate the maximum discount that could be offered to the customer considering that what if he bought that article between 4 p.m. to 5 p.m. So, therefore, 25% is anyways the discount that he is getting. Also, if he buys the article between 4 to 5 p.m., so he gets 15% of discount more. Okay. So therefore, let's again apply the formula A plus B minus AB upon 100. So A plus B will give you 40 minus 25 into 50 upon 100. So 25 into 15 upon 100, if you calculate, this will give you 3.75. And when you subtract this value from 40, you get 36.25%. So this will be the total discount that will be offered to the customer considering that he bought that article between 4 to 5 p.m. Okay. Now, in this question,
if we read it completely, the question is saying that a customer pays 1173 rupees for a dinner set. So, usne ek dinner set kharida jo ki 1500 ka tha, lekin usko pada wo 1173 ka. तो उस पे उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले जिसमें से हमको एक डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है जो कि है 15%. तो हमें निकालना है कि सेकंड डिस्काउंट कितना रहा होगा. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 1500 का वो डिनर सेट इनिशियली था, तो सबसे पहले उस पे 15% का डिस्काउंट मिला उसे. तो कितने डिडक्ट हो गए पैसे 1500 में से? 225. तो जब हमने 1500 में से 225 डिडक्ट किए तो हमको कितनी वैल्यू बची? 1275. ओके, अभी वो कह रहा है कि हमें निकालना है कि सेकंड डिस्काउंट कितना रहा होगा कि कस्टमर ने फाइनल पेमेंट जब की तो उसने दिए 1173 रुपीस. मतलब कि हमने 1275 में से अब और कितना डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया कि उस कस्टमर ने दिए 1173. मतलब कि हमको निकालनी है यहां से x की वैल्यू जो कि हमारी होगी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट. तो यहां से अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ 92. बस फिर अब हम ले जाते हैं 92 को इस साइड, x को ले जाते हैं दूसरी साइड, तो आता है हमारे पास x की वैल्यू 8%. So therefore, if a dinner set is quoted for rupees 1500 and a customer pays rupees 1173 for it, and the customer got a series of two discounts, and the rate of first discount is 15%, तो दूसरा discount कितना होता है? तो वो निकलता है हमारा 8%. तो हमेशा याद रखिए, अगर सक्सेसिव discounts आते हैं, तो ये formula a plus b minus ab upon 100 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. आल्सो फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेज का कन्वर्जन, जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जंस होते हैं उनको भी ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि दैट कैन मेक योर कैलकुलेशंस इजी. तीसरी चीज, अगर क्वेश्चन में आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखे हैं दो से ज्यादा, तो आप अपने इंट्यूशन पे जाएं, आपको जो मेथड आसान लगे बाय चेंजिंग इन फ्रैक्शंस और by applying the formula a plus b minus ab upon 100, आपको दोनों में से उस टाइम जो आसान लगे आप वही मेथड करिएगा. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हम अभी इसका एक्सटेंशन दूसरे इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जहां पे हम परसेंटेजेस की एप्लीकेशंस देखेंगे जो कि सिर्फ सक्सेसिव डिस्काउंट्स में नहीं लेकिन सेट थ्योरी, प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत जगह पे यूज की जाती है. तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच.